से संबंधित क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है 10 में π/8, 10 में π/12, 10 में 3π/8, 10 में 5π/12, माइनस में sin²π/6 का मान पूछा है। तो हम लोग इसको बनाते हैं, कितनी बड़ी आसानी से आ जाएगा, आप इसको देखें कैसे आएगा। इसको और इसको साथ में ले लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 में π/8 इंटू 10 में 3π/8, ये हो गया। इसको इसको साथ में ले लेते हैं, तो 10 में π/12, 10 में 5π/12 और माइनस में sin²π/6, ये इससे कट गया, यहाँ पर एक गुणता एक माइनस में आ गया। sin²π/6 का मतलब है sin 30, sin 30 का मतलब होता है 1/2, 1/4 वर्ग करने पर आ गया, तो यहाँ से आ गया 3/4, एक घटा देंगे 1/4 में तो आ जाएगा 3/4, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ये कैसे एक आ गया, एक गुणता एक, यानी कि इसका मान एक कैसे आ गया उसको देखते हैं। ये जो है इसको लिख दिए 10 में π/8, इसको हम लिख सकते हैं cot, क्या मेरे भाई, cot π/2 में से इतने घटा देंगे माइनस में 3π/8, यहाँ पर जब 8 एलसीएम लेंगे, 4 बार में काटेगा एक ही आ जाएगा, तो ये लिखा है 10π/8 और ये है cot π/8, ये नीचे जाएगा 10 बन जाएगा, ऐसे ऐसे कट जाएगा तो एक आ जाएगा, उसी तरह ये भी कट जाएगा और ये इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसको देखते हैं, ये तो मैंने ही बनाया है, इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको ऊपर, तो ये है मेरे भाई क्या, कोसेक में स्क्वायर 18 माइनस में ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 में² 72। अब इसको जो जो 10 है ना, इसको हम लोग कॉट में फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर ऊपर ले जाने की वजह से 10 बन गया था, फिर इसको कॉट बना लेते हैं, तो ये अपना रहे बेरी करेगा क्या मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर 18 माइनस में इसको हम ले सकते हैं 10 90 माइनस में 72, 90 में से 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 18 लिखना पड़ेगा, सॉरी भाई, यहाँ पर कितना रहेगा 18, 90 में से 18 घटाएंगे तो 72 बचेगा, और पूरे का वर्ग है तो वर्ग लगा दी, तो ये आ गया कोसेक में स्क्वायर 18 माइनस में ये हो गया कॉट में स्क्वायर 18, और इसका मान कितना होता है, एक होता है, क्योंकि आप संख्या पढ़ रखे हैं, कोसेक में स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot² θ, इसको इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक, यानी कि समान कोण पे दोनों का घटाना कितना होता है, एक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। लिखा है हमसे, कह रहा है यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो तो इतने का मान हमको, तो यहाँ पर देखिए लिखा है 1 - sin²α, यही होता है कॉस में स्क्वायर अल्फा, कुल मिला के इसी तरह कॉस स्क्वायर अल्फा लिखना चाहिए, सवलिया का थोड़ा और पहलवेश दे दिया है, ये क्या है फिर भाई, ये साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना है साइन में स्क्वायर अल्फा, कोसेक बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot² θ, तो यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा मेरे भाई, कोसेक स्क्वायर बीटा, तो उसकी जगह आ जाएगा कोसेक में स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan²θ, तो यहाँ आ जाएगा सेक में स्क्वायर बीटा, इसको भी नीचे ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, ये दोनों ऊपर ही रहेगा, ये नीचे जाएगा साइन बन जाएगा, साइन को साइन के नीचे, कॉस को कॉस के नीचे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, कॉस बन जाएगा, आ जाएगा कॉस में स्क्वायर बीटा, और ये क्या है साइन में स्क्वायर अल्फा, और ये जब नीचे जाएगा तो यहू बन जाएगा साइन में स्क्वायर बीटा। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 दिया है, अगर मैं बीटा बराबर निकाल लूँ तो 90 माइनस अल्फा आएगा, यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ पर 90 है, पहली बात तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा साइन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा ऐसे कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस में स्क्वायर अल्फा, ये ऐसे कट जाएगा, एक गुणता एक बराबर एक, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाला। इसको देखते हैं, इसको देख के अगर आप नहीं इसका आंसर टिक कर पा रहे हैं तो यहाँ माथा में लिख लीजिए बकलोल और घूमिए पूरे गांव में, क्योंकि ससुरा यहाँ पर बिचौम क्या आ जाएगा, 90 आएगा, कॉस 90 कहीं नहीं आएगा, यहाँ से 1 से लेकर 100 तक है तो कॉस 90 के बीच में आएगा, और कॉस 90 का मान 0 होता है, 0 गुणा चाहे जिसमें मार दो 0 कहता है, हम तो जाएंगे इस शरण तुमको भी लेकर डूबेंगे, तो अर्थात कितना आ जाएगा 0, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।